इतनी चिलचिलाती धूप में इस ब्रिज के नीचे बैठने की बहुत अच्छी जगह है जो विष्णु घाट पे है। तो भाई कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? शांति मिल रही है। शांति भाई कह रहा है मजे आ रहे हैं यहाँ बैठ के, अच्छा लग रहा है। तो भाइयों ये वही ब्रिज है विष्णु घाट का जिसके नीचे हम छाया में बैठे हुए थे। तो अभी लेफ्ट साइड पे हम थे, अब जा रहे हैं हम राइट साइड पे, तो वहाँ का भी व्यू देखते हैं कैसा है। तो भाइयों वो मनसा देवी है ऊपर और वो ट्रैक आ रहा है वहाँ से, मैंने वीडियो बनाई थी जो आपने देखा होगा नीचे, वो यही इसी ब्रिज की वीडियो थी वो जिसपे अभी हम हैं। तो भाइयों हम पहले लेफ्ट साइड पर बैठे थे वहाँ पे विष्णु घाट पे फ्लाईओवर के नीचे, और अब हम राइट साइड पे आ गए हैं यहाँ पे। तो यार वहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ का पानी ज़्यादा क्लियर है, ये देखो। तो भाई हमारा भाई रेस्ट कर रहा है छाया में आराम से बिल्कुल। तो भाइयों हम कल से आए हुए हैं रात से, बिल्कुल भी नहीं सोए, बिल्कुल भी नहीं सोए। तो भाई हम कल से सोए नहीं है, हम 9 बजे 9:30 बजे मतलब चले थे, 9 बजे चले थे हम। तो हम कल से, तो हम रात को चले थे 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे के आसपास। तो भाई अब टाइम हो रहा है कितना? तो भाई 11:30 हो गए हैं अब, 12 घंटे। तो भाई अभी तक हम सोए नहीं है यार, तो इतना मज़ा आ रहा है ना यार यहाँ पर हरिद्वार में। तो भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं हम एकदम फुल एकदम। Walking through all the dust, memories and frame.
भाइयों पाँव हमारे हो गए चिल्ड एकदम चिल्ड बर्फ की तरह। और यार थारी थकान जितनी भी है हमारी टोटली थकान सारी गायब हो गई है यार एकदम। तो यार बहुत मज़े आ रहे हैं भाई हमें तो, और फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई हम। तो भाइयों ये देखो स्पाइडरमैन और सुपरमैन दोनों आ गए हैं। तो भाई फुल फुल मस्ती काट रहे दोनों बंदे। तो भाइयों ये भी टैलेंट है एक। भाई डेयरिंग है बंदा डेयरिंग। Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look, look, Marty Mark. Yeah. Watch the way I start up. Yeah. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. तो भाइयों फाइनली अब जाके हमने रूम लिया है। पूरी रात हमने कमरा नहीं लिया यार, रूम हमने लिया नहीं, हम घूमते रहे सारी जगह। तो अब यार आंखों में नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं नींद हो गए बहुत तेज भाई। तो अब अगले दिन हमने 1 बजे जाके अब रूम लिया है। तो भाई अब रेस्ट करेंगे और फिर शाम को बैक टू होम यानी घर की ओर निकलेंगे। तो मिलते हैं भाई शाम को। तो भाइयों हमने रेस्ट कर लिया यार, सो ले हम 3-4 घंटे आराम से। तो भाई अब 4:30 बजे का टाइम हो रहा है शाम को और हमने अपना बैग पैक कर लिया है, बैग और ये गंगा जल दोनों कैनों में गंगा जल और अपना हेलमेट। तो भाई ये हमें रूम मिला है बहुत सस्ता, मात्र 300 रुपये का। तो ये देखो रूम ऐसा है, सिंपल रूम है, बेड है डबल बेड और भाई छोटा सा कमरा है क्योंकि यार ज़्यादा बड़ा चाहिए नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी, बस हमें रेस्ट करना था भाई थोड़ी देर। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई हम जा रहे पार्किंग की तरफ जहाँ हमारी बाइक खड़ी है। तो भाई लास्ट दर्शन कर लो। तो भाइयों ये है बाइक की पार्किंग जहाँ पे अपने हमने अपनी बाइक खड़ी कर रखी है। और ये आगे देख रहे हो आप आगे, तो भाई यहाँ से लेफ्ट होके है गाड़ियों की पार्किंग। तो पार्किंग में खड़े रखना बाइक यार सेफ रहे। तो भाई ये खड़ी अपनी RX 100। तो भाई गंगा जल जो हम बॉटल में लेके जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे बांध लिया है ये देखो, और अपनी बाइक रेडी है। तो भाई यहाँ पार्किंग का शुल्क है यानी जो चार्ज है पार्किंग का भाई वो 8 घंटे का 40 रुपये है। तो हमसे लिए इन्होंने कितने, 80 रुपये। तो भाई हमसे ये 80 रुपये चार्ज करे हैं इन्होंने। तो पेमेंट हमने दे दी है पार्किंग की। तो अब चलते हैं, लोड हो गई अपनी बाइक और भाई अपना रेडी। कितना टाइम हो रहा है अभी यार, 5? तो भाइयों अभी बजे हैं 5 शाम के
तो हम चल रहे हैं दिल्ली की ओर। तो भाई यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है ये 203 किलोमीटर। अब वो तो यार आगे चल के ही पता चलेगा कितना किलोमीटर है। ये तो ऐसे ही यार कभी 203 कभी 250, मतलब यहाँ से अप्रॉक्स 250 से ज़्यादा है, मतलब होगा 257 या 260 किलोमीटर के अराउंड। यहीं से डलवाएं क्या? हाँ, तो भाई यहीं से डलवा लेते हैं, हमारे भाई ने भी कह दिया। पेट्रोल कितने है भाई? अच्छा कोई नहीं, तो भाई यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं है, डीजल डीजल है फिर। ये तो मैंने ऐसा पहली बार देखा है पेट्रोल पंप जहाँ पे यार पेट्रोल नहीं है डीजल है। वाह, कोई ना, नेक्स्ट वाले पेट्रोल पंप से डलवा लेंगे। बेकार है, हाईवे का मामला है यार, धक्के मारने पड़ जाएंगे भाई बिना बात में। तो भाई देखते हैं कितना पेट्रोल है अपनी बाइक में। भाई सही टाइम पर रोक लिया, पेट्रोल नहीं खत्म होने वाला बिल्कुल। 96 यार यहाँ तो सस्ता है, ये क्या बात हुई? पाउच नहीं होना का मेरे पास, पाउच नहीं चाहिए भाई अपने को, पेट्रोल चाहिए। तो भाई डालो आप 800 रुपये का डाल दो। तो भाई 800 रुपये का डलवाते हैं पहले पेट्रोल, क्योंकि हम जब आए थे तो 777777 777 रुपये का डलवाया था हमने। भाई दबा लो इसको, बंद ही कर दो ना दबा के। नहीं नीचे पीछे तो कोई बात नहीं है।
तो भाई 800 रुपए का डल गया, ये झलक रहा है ऊपर तक, सही है। बैठो तो हाँ भाई, अब टेंशन फ्री हो गया यार पेट्रोल डलाने के बाद, क्योंकि भाई ऐसा ही है, हाईवे का मामला है भाई, धक्के मारने पड़ जाए क्या फ़ायदा। ना हवा हुआ सब सही है, हवा भाई कम ही होनी चाहिए हाईवे पे जब जाते हो, हल्की फुल्की। भाई ये जुगाड़ कर दिया है, ये इसके अंदर लपेट दी ना, ये बाइक पकड़ी हो यार एक बार। तो भाई हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है और ये देखो भाई क्या ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो भाई? अच्छा तो भाई हमारी बाइक का टूटी ऑयल ख़त्म हो गया है, ये देखो एंड पॉइंट पे आ गया है, तो हम ये रिफिल करेंगे, हम साथ में ले गए आए हैं। तो भाई आपको पता है मैं टूटी ऑयल डालता नहीं, इंजन ऑयल डालता हूँ टूटी ऑयल बॉक्स में, तो ये रिफ़िल करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाई अगर इंजन ऑयल टूटी ऑयल लुब्रिकेशन नहीं होगी तो आपको पता है क्या होगा, अपनी बाइक की वॉट लग जाएगी भाई। तो भाई अब की बार मैं टूल्स सारे लेके आया हूँ अपने भाई, टूटी ऑयल बॉक्स का कैप, तो भाई हमें इमरजेंसी में जो मिला हमने वो ले लिया, ये टीवीएस ऑटोमोबाइल का है 20W40, तो कुछ नहीं जो मिले सब यूज हो जाता है।
वो भाई डब्बा पार्सल। तो भाई काम हो गया डन। तो भाई हम पहुंच चुके हैं यार मुजफ्फरनगर। तो भाई अब पेट पूजा करते हैं, भूख लग रही है बहुत तेज और टाइम हो रहा है 7:30 के बीच में। तो भाई खाना वाना खाएंगे उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ थोड़ा ब्रेक लेंगे मतलब आधे पौने घंटे का, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि यार हमने है ना नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर खींच दी है RX 100, तो उसको भी ठंडा होने का टाइम मिलेगा थोड़ा सा और हमारी पेट पूजा भी हो जाएगी। तो भाई मेरे को तो बड़ा मस्त लगा खाना यार, एकदम एक नंबर का। और भाई आपको कैसा लगा? एक नंबर का खाना, इतना टेस्टी था भाई का, अल्टीमेट मजा आ गया। तो भाई मैं तो दो बार खाया, दो बार। तो ये मुजफ्फरनगर हाईवे पे है। तो भाई ये है ढाबे का नाम, श्री मोहन भोज, मुजफ्फरनगर में है और ये नियर टाटा शोरूम के आसपास है। तो ये है भाई, तो भाई एक नंबर का, हमें तो भाई एक नंबर का खाना लगा। कभी आपका इधर चक्कर लगे तो एक बार खाना टेस्ट करके देखना। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, मतलब घर नहीं घर के पास। तो भाई ठीक 12 बज गए हैं, 12:10 हो गए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम वहां से 5 बजे चले थे, तो भाई 7 घंटे में पहुँचे हम जाके। तो भाई हमारी जर्नी बहुत मस्त हुई, बहुत अच्छा लगा यार हमें घूम के। एक्सीलेंट जर्नी थी हमारी। तो भाई एकदम वंडरफुल जर्नी थी हमारी, फुल एंजॉय भाई के साथ। अरे भाई फुल एंजॉय करा हमने। तो भाई अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्टैक्ट में, गुड बाय।